वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आकाश और ये है हमारा यूनेस्को सर्टिफाइड फेक न्यूज बस्टिंग कौआ। जी हाँ, जो आपको ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर वायरल होने वाली खबर की बताता है असलियत। कौन सी वायरल खबर है सच और कौन सा वायरल खबर है झूठ। कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी स्टोरी और यूनेस्को में क्या रिलेशनशिप है। यू सी, आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है, यूनेस्को का नाम लेके कुछ भी बोल दो लोग मान लेते हैं। मतलब कुछ भी नैरेटिव हो उसके पीछे बस यूनेस्को लगा दो तो लोग मान लेते हैं। अरे भाई, यूनेस्को ना हुआ भगवान का प्रवचन हो गया है क्या। कुछ दिन पहले इसी तरीके की एक खबर फेसबुक पर आई, पेज का नाम था इस्लामिक प्रीच। इस इस्लामिक प्रीच नामक पेज ने एक सर्टिफिकेट का स्कैंड कॉपी पोस्ट किया। इस स्कैंड कॉपी पे लिखा था सर्टिफिकेट ऑफ पीस। है, अरे ऐसा कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ही ना होता है, ये मोस्ट पीसफुल सर्टिफिकेट तो स्कूल में भी नहीं होता है। खैर, सर्टिफिकेट में आगे ये भी लिखा है, ऑन द 4th of July 2016 वी डिक्लेयर दैट इस्लाम इज द मोस्ट पीसफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड। अरे भाई, हम इतने थोड़े ना बेवकूफ हैं कि हम ऐसे ही चीजें वीजे मान ले। हम तो ये खबर आपके सामने लाते भी नहीं, लेकिन हम क्या करें, हम असमंजस में पड़ गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बॉटम राइट कॉर्नर में फॉर्मर यूनेस्को डायरेक्टर इराना बोहावा का सिग्नेचर भी था और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यूनेस्को और किसी इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन का बाकायदा लोगो था। भाई है, अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात है ना। अरे लोगो है, सिग्नेचर है, सही होगा। हम बहुत थन संकट में पड़ गए। फिर हमने कहा कि कौवे से पूछना बेहतर होगा, तो हमने कौवे से पूछा और कौवा लग गया अपने काम पे। कौवे ने रिवर्स इमेज सर्च किया, सर्च करके पाया 23rd जनवरी 2017 को एक और फेसबुक पोस्ट, पेज का नाम था आई लव इस्लाम, इसमें भी ये सर्टिफिकेट था। तब कौवे को समझ में आया कि ये सर्टिफिकेट तो काफी टाइम से ऑनलाइन सर्कुलेशन में है, तो उसने थोड़ा और सर्च किया कि पता करे स्रोत कहां है। तब पता चला कि ये सर्टिफिकेट 11th जुलाई 2016 को वायरल हुआ था, तब जब रेडियो पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इस सर्टिफिकेट को ट्वीट किया था। अरे वाह, ये पाकिस्तान वाले हमारा सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं मानते हैं, शायद अगर यूनेस्को से कहलवा दिया जाए तो मान लेंगे, क्योंकि वो यूनेस्को की हर बात मानते हैं। बहरहाल, उस दिन रेडियो पाकिस्तान के ट्वीट करने के कुछ 3 घंटे बाद ही यूनेस्को ने इस सर्टिफिकेट का खंडन करते हुए एक ट्वीट किया। अब यूनेस्को के पास यही काम रह गया करने के लिए। इस ट्वीट में दिया गया लिंक आपको यूनेस्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता है, जहां इस मामले पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था। यूनेस्को के स्टेटमेंट से 3 बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि यूनेस्को ने कभी ना किसी को कोई ये पीस प्राइज दिया था। दूसरी ये कि ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ही फेक है। और तीसरी कि यूनेस्को का किसी इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये सर्टिफिकेट कहीं आपको दिखे ऑनलाइन, तो फेक न्यूज शेयर करने वाले से ये कह देना कि भैया जरा खिसको, क्योंकि तुम्हारी खबर नहीं अप्रूव करता है यूनेस्को।